देश अगले कुछ दिनों में अपनी सरकार चुनेगा, चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत, एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार, घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। वो कार्यक्रम जहां बड़ी पार्टियों के बड़े नेता आके अपनी बात रखते हैं, क्योंकि 16 मई को यह तय हो जाएगा कि देश को अगली सरकार जो मिलने वाली है वो कैसी होगी। लिहाजा हम बुलाते हैं बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं को, और आज इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान साहब। इससे पहले कि मैं आजम खान साहब को आमंत्रित करूं मंच पर, आइए देखते हैं उनका राजनीतिक सफर। मैं मोहम्मद आजम खान। मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा, उत्तर प्रदेश की सरकार में नंबर दो की हैसियत। छियासठ साल के आजम खान आठवीं बार रामपुर से विधायक चुने गए हैं और फिलहाल यूपी सरकार में शहरी विकास, अल्पसंख्यक कल्याण और संसदीय कार्य मंत्री के ओहदे पर हैं। यूपी में मुलायम के बाद अकेले नरेंद्र मोदी से लोहा लेते दिखते हैं आजम खान। तुम्हारे शरीर की आत्मा है, हमें तुम नहीं निकाल सकते, और जब हमने तुम नहीं निकाल सकते तो नरेंद्र मोदी जी तुम हिंदुस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते। मैं फिल्म अदाकार नहीं हूँ, वो फिल्म अदाकार हैं और अमरपाली की मशहूर डांसर हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त कल्याण सिंह, अमर सिंह और जया प्रदा को लेकर आजम खान ने मुलायम सिंह के खिलाफ बगावत कर दी थी। जया प्रदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन रामपुर से जया प्रदा को जीतने से रोक नहीं पाए। लोगों को सबक लेना चाहिए। एक रंगीला, एक छलिया व्यक्ति, बॉलीवुड का व्यक्ति, जिसने समाजवादी पार्टी को एक रकासा की पासे बना दिया था। चुनाव खत्म हुआ और मुलायम जरूरत के लिहाज से आजम को वापस ले आए। मायावती के राज में विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके आजम खान 1985 में मुलायम के संपर्क में आए, और जब 1992 में समाजवादी पार्टी बनी तो संस्थापक सदस्यों में से एक थे आजम खान। आजम 1989, 1993 और 2003 की मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। मुस्लिम सियासत में आजम खान की पैठ की शुरुआत 1980 में हुई, जब मुरादाबाद में दंगे हुए थे। विपक्ष के विधायक रहते हुए आजम दंगा पीड़ितों को राहत का सामान पहुंचाने मुरादाबाद रवाना हुए तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1985 के शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए भी आजम सामने आए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के गठन के फैसले में भी आजम शामिल थे। आजम ने ही कल्याण को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का सबसे ज्यादा विरोध किया था, और वो सफल भी हुए थे। भले ही यूपीए को मुलायम का समर्थन हासिल रहा हो, लेकिन आजम खान गांधी परिवार के खिलाफ हमेशा बरसते रहे हैं। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था राजीव गांधी साहब, शिलान्यास भी कराया था आपने, और मिस्टर इंदिरा गांधी साहब आप हरमिंदर साहब पर बुलडोजर चलाए थे। क्या अंजाम हुआ? पूरे खानदान का नाम नाम छ गया। ये था अल्लाह का। एक शेर पढ़ना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं आजम खान साहब को, और वो शेर कुछ इस तरह से है कि ये दस्तूरे जुबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। वैसे आप लोगों में से अधिकतर लोग जानते हैं कि ये शेर किसी भी सूरत में आजम खान साहब के लिए नहीं हो सकता, मगर उन्होंने एक निहायत ही इमोशनल लेटर में जो मुलायम सिंह यादव साहब को लिखा, इस शेर का जिक्र किया। आप समझ सकते हैं कि आजकल हालात किस तरह से उनके लिए पेचीदा और जो है मसला कहां जा रहा है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आजम खान साहब को मंच पर। आजम खान साहब आए और हमारे सामने बात रखें कि देश की जनता आखिर समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने सवालों का सिलसिला। आजम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका और
उन तमाम दर्शकों का जो इस वक्त देश भर में हमें देख भी रहे हैं और हमारी बात सुन भी रहे हैं। जो शेर आपने पढ़ा वो अल्लामा इकबाल का था, उसका अगला शेर मैं पढ़ता हूँ। उड़ाए कुछ वर्क लाले ने कुछ गुल ने, उड़ाए कुछ वर्क लाले ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। आपके इस कार्यक्रम में मैं आपकी शुरुआत पर जो आपने मेरे बारे में दिखाया कि मैं मुस्लिम चेहरा हूं, हम सभी लोग एक मजहबी मुल्क में रहते हैं, सबके अपने अपने मजहब हैं, सबके अकीदे हैं और इसकी इजाजत हमारा संविधान देता है। क्योंकि ये धर्म का देश नहीं है और संविधान का देश है, सब अपने अपने मजहब पर रहें और शान से रहें और उन्हें ये कहने में शर्म ना आए कि वो किस मजहब के हैं। दरअसल इस सोच और जो लोग अपने मजहब के अलावा दूसरे मजहब को जलील करना चाहते हैं, उसका अपमान करते हैं, उनकी इबादत गाहें तोड़ते हैं और मुल्क को फैशिज्म के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और पूरी दुनिया के सामने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सर शर्मिंदा करना चाहते हैं, उनसे हमारी लड़ाई है, हम समाजवादियों की। और हम तन्हा मुस्लिम चेहरा नहीं हैं, हम इंसानियत का चेहरा भी हैं। और समाजवादी पार्टी के कदना कार्यकर्ता के तौर पर मैं देश के तमाम उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया में, अखबारात के जरिए, टेलीविजन के जरिए हमें गद्दारे वतन कहते हैं। हमारी सजाएं भी मुख्तलिफ मौक़ों पर तजवीज़ की गई हैं। उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वतन से मोहब्बत में एक जर्रा भी कमी होती तो तकरीबन 40 बरस अमली सियासी जिंदगी के जिसमें एक बूंद हराम की जिंदगी में शामिल नहीं है और पूरी दुनिया में एक बैंक अकाउंट है और वो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में जहां से सरकार से तनख्वाह मिलती है। हमारा जो भी कुछ है वो हमारी बीवी की तनख्वाह और हमारी अपनी तनख्वाह का जमा किया हुआ है। इसके अलावा दुनिया के किसी बैंक में, लखनऊ बैंक के अलावा, देशभक्तों की तरह जिन देशभक्तों की पुकार रोज देश के पार्लियामेंट में उठती है कि वो धन वापस लाया जाएगा, उन देशभक्तों में से हम नहीं हैं। और हमारा दामन हराम के किसी भी दाग से खाली है और मैं समझता हूं अपने मादर वतन के साथ इससे बड़ी वफादारी कोई नहीं हो सकती कि ना हमारे वालिद ने हमारे जिस्म में हराम खून दाखिल किया और ना हमने अपनी औलादों के जिस्म में। यही दरअसल हम समझाना चाहते हैं कि जब शरीर पाक नहीं है तो विचार पाक नहीं हो सकता। क्योंकि हमने अपने शरीर को पाक रखने की कोशिश की है, इसलिए हमारा विचार ये सही है कि देश को सेकुलर होना चाहिए और जिसकी जहां जो कुर्बानी है वो सामने आना चाहिए। और कुर्बानियों का सच छुपाने वाले हिंदुस्तान का कल और आज छुपाते हैं और जो हिंदुस्तान का कल और आज छुपाते हैं वो हिंदुस्तान का रोशन मुस्तकबिल नहीं बनाना चाहते। बहुत बहस चली ये घोषणा पत्र, आपका कार्यक्रम यकीनन आज देश को कुछ सूचना देगा। हमारी आसमानी किताबें, हम मुसलमानों की चार हैं लेकिन उसके अलावा ये देश क्योंकि धर्मों का देश है, यहां गीता है, रामायण है, गुरबानी है, बाइबल है और इसके अलावा कोई ऐसी किताब नहीं है देश की जिसे बदला न जा सके। संविधान पार्लियामेंट में बढ़ाया गया, घटाया गया, बदला गया, एडिशन हुआ और आप सबने ये देखा कि जब भी कोई नाराज हुआ, मैं यहां पर बात को कड़वा नहीं करना चाहूंगा, न जाने कितने मौके ऐसे आए जब पार्लियामेंट के सामने संविधान का अपमान किया गया। अपमान की हदें कहां तक थीं? मैं कहूंगा तो शायद देश को शर्मिंदगी होगी। और उसी संविधान के तहत जो संस्थाएं यहां बनी, उन संस्थाओं ने अगर अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार नहीं रखा तो ना इसमें संविधान की गलती है, ना 125 करोड़ इंसानों की गलती है, बल्कि वो संस्थाएं मसलसी भी आई, उसके बारे में
आज एक आम राय यह है कि यह एक सरकारी संगठन है और सीबीआई जिस तरह चाहती है जायज और नाजायज इस्तेमाल करती है अपनी ताकत का। अगर इसी तरह संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर बात है देश को बुरा लगेगा। मेरी क्या बात बुरी लग गई, मैंने क्या ऐसा कह दिया जिस पर तूफान खड़ा हो गया? अगर मैंने कारगिल की पहाड़ियों पर कुर्बानी देने वालों का यह पर्चा दिखा दिया और यह पढ़कर सुना दिया तो इस जुर्म का सबसे पहला जुर्म करने वाला शख्स वो महान व्यक्ति है जिसने मुझे ट्रेन में खुद कर्नल अजीत साहब ने इस वाकये को बतलाया था। और फिर उसके बाद उस वक्त का 1999 में इंडियन एक्सप्रेस की बहुत बड़ी हैसियत थी, उस अखबार में यह पूरा लेख निकला था जिसमें लिखा गया था दैट बट ओनली टिल द डिटरमिंड मुस्लिम कंपनी ऑफ 22 ग्रेनेडियर्स डिसाइडेड टू लॉन्च एन एग्रेसिव अटैक एंड रिपल्स द पाकिस्तानी इंट्रूडर्स। आगे लिखते हैं द चार्ली मुस्लिम कंपनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये इतिहास कह रहा है, द चार्ली मुस्लिम कंपनी, चलिए ये इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी जबान पकड़ी जाती है कि मैंने मुसलमानों का नाम क्यों ले दिया। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमारी कुर्बानियों को तस्लीम तो कर लिया जाए, हम खून देना चाहते हैं, जान देना चाहते हैं, लहू देना चाहते हैं, मुल्की सरहदों की हिफाजत करना चाहते हैं, आखिर फाशिस्टों को यह बात बुरी क्यों लगती है? खान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आप आकर बैठ जाएं, क्योंकि हमने सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम मुद्दों पर हम आपसे सवालात भी करेंगे। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप बैठ जाएं, इस माइक का आप इस्तेमाल कीजिएगा सवालात का जवाब देने के लिए। तो अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस सवाल की। अभी तो मेरा इस इलाके में आना तय हुआ, इतने में कैसी तेज हवा चल पड़ी है नेताजी। अब तो हवा का रुख पहचान लो। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने की, लेकिन इस चुनौती को मुश्किल बना रहे हैं नरेंद्र मोदी। हमारी बेटियों पर कोई बलात्कार करे तो उन बलात्कारियों के प्रति कठोर होना चाहिए, लेकिन नेताजी मुलायम होंगे। भोले जी को विजयी बनाइए। बीजेपी को यूपी में 50 से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद है, तो ओपिनियन पोल में भी समाजवादी पार्टी बहुत पिछड़ती दिख रही है। हाल ये है कि सर्वे में एसपी से आगे बीएसपी को बताया जा रहा है। एसपी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अगर राज्य में अपनी पार्टी की सरकार है तो सरकार के काम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन मुलायम सिंह तो यूपी में अपनी पार्टी की सरकार पर ही सवाल उठा चुके हैं। चापूसी पसंद लोग हमेशा धोखा खाते हैं, वो उनकी कभी इमेज अच्छी नहीं बनती है जो चापूस पसंद हो गए। बस यही बात है कि आज चल रहा आरंभ था चापूसी का जमाना, आपकी सरकार में जा रहा है चापूसी पे काम हो रहे था। हालत तो ये हो गई है कि नेताजी को वोट के लिए अस्थाई टीचरों को धमकी तक देनी पड़ी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस तक दे दिया। अगर शिक्षा मित्रों का यहाँ का सवाल है, अगर शिक्षा मित्रों को कदिया है, 1 लाख कहते हैं ज्यादा, अब कदिया फिर के बाद वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम फिर टोकर लेंगे। कहते हैं दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करना है तो यूपी का रण जीतना होगा, लेकिन ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि मुलायम सिंह दिल्ली की कुर्सी तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो पहला मुद्दा, मोदी से आखिर आप नेताजी को कैसे बचाएंगे? मगर आपने गौर किया होगा इस रिपोर्ट में आजम खान साहब कि अस्थाई शिक्षा जो वैसे ही बेबसी का के हालात में जीता है उसे तक नेताजी धमका रहे थे कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो अस्थाई नहीं करेंगे, तो ये बौखलाहट क्यों खान साहब? नेताजी की हैसियत देश ने नहीं पहचानी तो ये देश का दुर्भाग्य है, और अगर अब भी नहीं पहचानी तो आगे का दुर्भाग्य है।
नेताजी जैसा जननायक, उनसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला अभी देश में दूसरा नहीं है। और हम अक्सर नेताजी से ये पूछते हैं कि हमें ये बताइए कि ये फन आपने कहाँ से सीखा, कि हर अगला व्यक्ति ये समझता है कि आप पिछले व्यक्ति से ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। जहाँ तक शिक्षा मित्रों की बात आपने कही, उत्तर प्रदेश में रोजगार देने वालों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम आज इतिहास के पन्नों पर है, चाहे वो उर्दू टीचर्स हों, उर्दू ट्रांसलेटर्स हों, टीचर्स हों, पुलिस और पीएससी की भर्ती हो, उसमें नेताजी का नाम है। जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ कहते हैं एक पिदराना शफ़क़त, एक बुज़ुर्ग की, एक बाप की शफ़क़त, एक बड़े की शफ़क़त। और जहाँ तक कानूनी बात है, शायद ये समझ लिया गया कि नेताजी मुख्यमंत्री हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के। मैं जानकारी देना चाहता हूँ सभी संस्थाओं को कि मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, इस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री भी नहीं हैं, और वो किसी ऐसे पद पर भी नहीं हैं जहां उनके ऐसा कहे जाने से कोई असर पड़ता हो। बखूबी समझते हैं कि जब नेताजी कोई बात कहते हैं, आपने कहा ठीक है बुजुर्ग हैं वो सब सही है, मगर मौजूदा माहौल में, और वो भी अस्थाई टीचर्स को, ये तो एक तरह से वो धमका रहे थे। नहीं नहीं, आप इसे धमकी नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मैंने अर्ज किया ना, ये पिदराना शफ़क़त है, एक बड़े की मोहब्बत है जी। मैं फिर कहता हूँ, नेताजी को पहचानने में जितनी देर हो रही है देश का नुकसान हो रहा है। इतना सेकुलर, इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना अच्छा शायद नेता देश को फिर नहीं मिलेगा। चलिए खान साहब, ये बता दीजिए आपको कितनी सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम आपकी तरह भविष्यवाणी तो नहीं करते, क्योंकि हमें तो मोदी जी ने पैसे भेजे नहीं हैं, तो हम तो नहीं कह सकते। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि आपको मोदी जी ने कितने भेजे हैं, लेकिन बदनाम बहुत है इस वक्त मीडिया। तो ये सवाल आप हमसे पूछने के बजाय खुद मोदी जी से ही पूछिए कि उन्हें कितनी मिल रही हैं, ताकि वो ये बता सकें कि कितनी दलदल में खड़े हैं इस वक्त। चलिए, शीशों के घरों में रहते हम सब, और खैर, सबसे पहला सवाल विजय विद्रोही आपसे। आजम खान साहब, आप पर और अमित शाह पर एक जैसे आरोप लगे, अमित शाह दोनों का मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। मैं आपकी बात रोकूंगा माफी के साथ। एक अपराधी से, और ऐसा अपराधी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य में दाखिल होने से रोका है, और उनकी दहशत को माना है कि उनके जाने से जो उन्होंने जो कुछ किया है, उन्होंने अपराध, गवाह टूट जाएंगे। इतने बड़े अपराधी से एक ऐसे व्यक्ति को जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर हो, उसको उसके नाम से न मिलाइए। ये हमें मिला नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं अभी, के अभी जो चुनाव, अभी जो चुनाव प्रचार का सिलसिला चल रहा है उसमें जिस ढंग से बयान हुए उसको लेकर, हम हमारे लिए अलग से सवाल पूछ लीजिए, एक अपराधी से हमारे नाम को ना जोड़िए। चलिए ठीक है, मैं अलग पूछ लेता हूं आपसे सवाल। आप कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं से उलझने की ऐसा लगता है कि आदत सी पड़ गई है। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो इसके पीछे क्या कोई राजनीति है आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं माजरत के साथ अर्ज ये करूंगा कि कल हमारी बहन ने जो हमसे सवाल पूछा था, एक बड़ा अंग्रेजी का चैनल है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में आप भी कुछ गौर कीजिए। उन्होंने सवाल कुछ किया था और हमारा कहीं का जवाब उन्होंने कहीं दिखा दिया। देखिए, बार बार हमारे मुंह में आप सवाल डालेंगे तो फिर ये जर्नलिज्म नहीं है। हमसे शायद 50 बार ये पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, मांगेंगे नहीं मांगेंगे, तो हमने पूछा भाई माफी तलाफी का कहां सवाल पैदा हो रहा है, और उसे इस तरह दिखा दिया गया। मेरे ख्याल से ये जर्नलिज्म का इंसाफ नहीं है। बात माफी और तलाफी की है ही नहीं, बात सही और गलत की है। अगर मैं गलत हूं तो मेरी सजा सही हो सकती है, लेकिन जब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं और ये प्रमाण मैं दिखा रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कर्नल अजीत ने कहा है। मैंने आपको सीडी दिखाई है, आपको मैं सीडी दे सकता हूं, 40 मिनट की जो फिल्म दिखाई गई थी एक बड़े चैनल पर, और मैं उस टुकड़े का नाम भी बता रहा हूं, और वो मेरा दिया हुआ नाम नहीं है, वो नाम अखबारों का और खुद फौज का दिया हुआ नाम है। फौज के नामों पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। हमारा शिकवा तो सिर्फ इतना है कि हमारा लहू सरहदों का और मुल्क की हिफाजत के लिए अगर बहे तो कहीं उसका जिक्र होना चाहिए, बस। और कोई शिकवा है ही नहीं। मगर मजहब के आधार पर खान साहब जिक्र क्यों हो?
आपत्ति यही है। मैं मजहब के नाम पर ही ये टुकड़ी बनी है मुस्लिम, नहीं मजहब के नाम पर कोई टुकड़ी नहीं बनी। मैंने ये राठौर है हमारे यहाँ, ये टुकड़ी का क्यों, क्या मजहब के नाम पर कर्नल राठौर कोई भी टुकड़ी बनी है मोहतरम? क्या सिख रेजिमेंट नहीं है? नहीं, मगर ये रेजिमेंटलाइज जो सिस्टम है खान साहब, ये ब्रिटिशर्स के जमाने से आ रहा है। क्यों गुलामी के सिस्टम को आप आज तक मान रहे हैं? 60 बरस हो गए आपको और हमें आजाद हुए, क्यों गुलामी के सिस्टम को मान रहे हैं? क्यों आईएस और आईपीएस के सिस्टम को हम मान रहे हैं? जिस सिस्टम से अंग्रेज ने हमारे साथ सैकड़ों बरस हुकूमत की, आज उसके देशों में वो सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ क्यों है? जी खान साहब, आपके जो 8 अप्रैल का बयान था गाजियाबाद का, उसको जरूरत है कि आज थोड़ा सा आप उस पर सफाई दें तो अच्छा होगा, क्योंकि जो आपका बयान अगर मैं वर्ड बाय वर्ड बोलूं तो उससे एक बहुत ही गलत संदेश जाता है। वो चीज़ आज मैं चाहूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, क्योंकि ये पूरा मुल्क आपको सुन रहा है, तो आज मेरे ख्याल से आज से बेहतर मौका नहीं है कि उस पर एक आप एक तरीके से एक क्या कहते हैं कि उसको बयान को सही ढंग से आपके सामने आए, क्योंकि अभी वो मुझे वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है, अगर वो दिखाएंगे क्लिपिंग तो वो बात अपने आप। मैं ईमानदारी से आपका जवाब दूंगा। जी हाँ, तो उस वक्त के लिए जो आपने भी बात कही कि ग्रेनेडियर मुस्लिम कंपनी, गौरव सावंत का लिखा हुआ लेख है, आपके मित्र में यहाँ बैठे हैं, इन्होंने मुझे अभी दिखाया भी, वो ऐसी कंपनीज हैं। कोई आपने कहा था कि किसी हिंदू ने फतेह नहीं की, कहा था मुस्लिम सैनिकों ने फतेह की, ये बात जो है कारगिल की पहाड़ियों को जीतने वाला वगैरह वगैरह, उस बात पे आपत्ति है। और उस बयान ने कहीं न कहीं भारतीय सेना की धर्म निरपेक्षता के ऊपर सवाल खड़ा किया है, वो चीज़ हमें भी आहत करती है, और इसलिए मैं आज दिल्ली से चल के आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं चाहूँगा इस पर अगर आज आप इस बात को हमेशा के लिए दफन कर दें तो बहुत ही बेहतर होगा। इस छोटे से शहर में आपकी आमद का हमारी और रामपुर वालों की तरफ से स्वागत है। यही दरअसल बहस का मौजू है, आपने सही सवाल किया है। आखिर इस मुस्लिम लफ्ज से इतना एतराज क्यों है? क्या लफ्ज मुस्लिम एक सच नहीं है? क्या आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ देश का 1947 में, क्या बापू ने यह नहीं वादा किया था कि एक संविधान होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे लोग एक ही आसमान के नीचे जिएंगे, एक कानून होगा, कोई धर्म का बंटवारा नहीं होगा, जात का बंटवारा नहीं होगा, औरत और मर्द का बंटवारा नहीं होगा, छोटे बड़े गरीब और अमीर का बंटवारा नहीं होगा? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान से भागते हुए मुसलमानों से ये नहीं कहा था उर्दू पार्क में जामा मस्जिद के सामने कि मुसलमानों रुक जाओ, ताजमहल का हुस्न तुम्हें पुकारता है, रुक जाओ, कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें आवाज देती है, रुक जाओ, जामा मस्जिद का तकद्दस तुम्हें वास्ता देता है, रुक जाओ, और भागते हुए मुसलमान रुक गए थे, इसलिए कि उनसे बापू ने वायदा किया था, इसलिए कि उनसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वायदा किया था। बेईमान वो नहीं है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला, ईमानदार वो नहीं है, माफ कीजिए, जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला, ईमानदार वो है जिसे बेईमानी का मौका मिला और फिर वो ईमानदार रहा। हिंदुस्तान से बिरादरान वतन पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जा सकते थे। वो नहीं गए पाकिस्तान, मेरे वालिद नहीं गए, मैं नहीं गया, मेरी औलादें नहीं जाएंगी, क्योंकि हम किसी से भी ज्यादा हिंदुस्तान को मोहब्बत करते थे और चाहते थे और चाहते हैं। ये हमारा मजहबी फरीजा भी है और बहैसियत मुसलमान हिंदुस्तान पर हमारा ये हक भी है जी, और हम हिंदुस्तानी मुसलमान इस हक के बगैर जीना भी नहीं चाहते जी। दरअसल उसी हक को हम मांग रहे हैं अपने, क्योंकि बड़ी आसानी से हमें आईएसआई एजेंट कहा जाता है जी, पाकिस्तानी एजेंट कहा जाता है, हम तो सुन चुके, लेकिन हमारी औलादें हमसे पूछती हैं, हमारी नस्लें हिंदुस्तानी नस्लें हमसे पूछती हैं,
क्या हम पाकिस्तानी एजेंट हैं? क्या हम गद्दार हैं, आईएसआई के एजेंट हैं? इसलिए मालूम होना चाहिए देश के उन नौजवानों को जिन्हें आरएसएस और फासिस्ट ताकतों ने यह समझाने की कोशिश की है कि मुसलमान हिंदुस्तान की जमीन पर बोझ हैं। आजादी के वक्त इन्हें जाने के लिए दरवाजा खोल दिया गया था, ये क्यों नहीं गए पाकिस्तान जब धर्म के नाम पर एक देश बन गया जी। इसलिए आज ये समझाना अपने उन नौजवान बच्चों को और जवान बच्चों को समझाना जरूरी है कि बेटो हम गद्दार नहीं हैं, हमसे नफरत मत करो, हमसे मोहब्बत करो। और ये जो कुछ भी उस दिन का बयान है हमारा, सिर्फ हमारे दिल का दर्द तकलीफ है और हम ये सीख देना चाहते हैं कि हम भी मोहब्बत किए जाने के काबिल हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वो दिल का दर्द था, सियासत का तड़का नहीं था उसमें। बहरा खान साहब, हम रुख करते हैं अपने अगले सवाल का और इससे जुड़े हमने स्टूडेंट लाइफ के बाद, मैं एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी था, इमरजेंसी लग गई थी, एलएलएम फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था और मेरा कैरियर वहाँ बच्चे पढ़ाने का था, मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट मिलना था, शायद मैं इस तरफ आता भी नहीं क्योंकि सारे यूनियन के नेता गिरफ्तार हो रहे थे, मैं भी पकड़ा गया। पहले अलीगढ़ जेल में रहा, फिर बनारस जेल में रहा, पौने दो बरस में जेल में रहा। हाँ, मैंने माफ़ी तब भी नहीं मांगी थी। और उसके बाद जो हमारे पहले राजनीतिक गुरु हुए वो चौधरी चरण सिंह जी हुए और उसके बाद जब बाइफरकेट हुई पार्टी तब उसमें हम मुलायम सिंह जी के साथ आए। हमने कभी दल नहीं बदला, हमने कभी वफादारियां नहीं बदली और हम तो यहाँ तक वफादार हैं कि हमें हमारे सियासी रहनुमा ने निकाल भी दिया तब भी हमने किसी का दरवाजा। चलिए, इसी मोड़ पर हम रुक करते हैं अपने अगले पैकेज का, अपने अगले सवाल का जो हम खान साहब से पूछेंगे। विवादित बयानों के दौर में जब अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में प्रचार के दौरान बयान दिया कि बदला लेना है तो आजम ने जनरल वीके सिंह की सीट पर जाकर सेना को ही हिंदू मुस्लिम बना दिया। हमसे प्यार करो, हमसे मोहब्बत करो, इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान खुदी थे। जिस मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अमित शाह ने बयान दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट सरकार की नाकामी बता चुका है। खुद आजम खान ने भी सरकार के काम को शर्मनाक बताया था। बहुत अफसोसनाक है, 47 के बाद ये मंजर पहली बार उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में देखने को मिला है, या तो गुजरात में था या गुजरात के बाद वो तजर्बा उत्तर प्रदेश में देखा गया है। दंगे खत्म हुए तो राहत शिविरों के हाल पर समाजवादी सरकार की किरकिरी हुई और तब से शुरू हुई राजनीति ने यूपी में चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना दिया है। खान साहब, आपका बयान मैंने बार बार सुना है इसको, इसमें आप कहते हैं कि अगर धर्म के नाम पर जिसने घर जलाया है उससे इंतकाम नहीं लोगे तो हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। मैंने बार बार सुना इसे, मैं नहीं समझ पा रहा कि इस मुद्दे पर आप खुद को विक्टिम कैसे करार दे सकते हैं, ये भड़काऊ बयान नहीं तो क्या है? खान साहब देखिए, मैं फिर आपकी अदालत में और पूरे देश की अदालत में अपना दर्द रखना चाहूंगा और मैं फिर इतिहास रखना चाहूंगा। द चार्ली मुस्लिम कंपनी लेड बाय मेजर अजीत सिंह, इस कंपनी में मुस्लिम फौजी थे, इसका नाम था द चार्ली मुस्लिम कंपनी। मैं आपको रोकना इसलिए चाहूंगा इस पे कि हम इस मौजू से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। मैंने जो आपसे सवाल किया वो आपका अपना बयान जो कि आपने दिया था, जो हर जगह मौजूद है, जिसमें आपने कहा और मैं फिर से दोहरा दूं आपके लिए कि अगर धर्म के नाम पर जिसने तुम्हारा घर जलाया है उससे इंतकाम नहीं लोगे तो हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। अब आप मुझे समझाइए कि ये किसी भी सूरत में भड़काऊ नहीं तो क्या है? आपने आधी बात कही, हमारी किताब कुरान हकीम है और हम उसके जेर जबर पर ईमान रखते हैं। उसमें एक आयत का तर्जुमा है कि मत जाओ नमाज के करीब। बहुत से लोगों ने इस पर अपनी बात कही और मुसलमानों से कहा कि कुरान खुद कहता है नमाज मत पढ़ो, लेकिन ये आधी बात है। मिसाल दी जाती है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। उस आयत का पूरा तर्जुमा यह है, मत जाओ नमाज के करीब उस वक्त
جب تم نشے کی حالت میں ہو انتقام لو مذہب کے نام پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لو چناؤ کے دن سائیکل کے بٹن پر نشان دبا کر یہ بات آپ نے نہیں سنوائی آپ نے صرف اتنی بات سنوائی کہ مت جاؤ نماز کو مت جاؤ نماز کے قریب لیکن کب جب تم نشے کی حالت میں ہو ہم نے انتقام ہتھیار سے لینے کو نہیں کہا ہے بلکہ ایک جگہ میں نے بیلٹ کا شبد استعمال کیا ہے کہ بیلٹ سے اس کا انتقام لو چلیے میں اور سوالات لیتا ہوں جی اعظم خان صاحب آپ سماجوادی پارٹی اور صوبے کی سرکار کے سب سے قداور نیتا اور سب سے پربھاوشالی منتری ہیں پورے دیش کی جو دھرم نرپیکش راجنیتک برادری ہے وہ ایک بات پر سہمت ہے کہ مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مدعا ان کی سرکشا کا ہے آپ کے سرکار میں رہتے آپ کی پارٹی کے سرکار میں رہتے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما ملائم سنگھ یادو کی پارٹی کی سرکار کے رہتے دنگا ہوتا ہے آپ انہیں بچا نہیں پاتے ہیں تو مسلمان کیوں بھروسہ کریں کہ آپ انہیں سرکشا دے سکتے ہیں میں آپ کے سوال کا جو آخری حصہ ہے اس کا جواب پہلے دینے کی کوشش کروں گا مسلمان کیوں بھروسہ کرے یا نہ کرے یہ انشاءاللہ چناؤ کے نتیجے بتائیں گے اور وہ نتیجے بہت دور نہیں ہیں جہاں تک دنگوں کا سوال ہے میں نے مظفر نگر کے ان مظلومین سے جن کی ہر آہ کے ساتھ میں ہوں ان کے ہر آنسو کے ساتھ ہوں چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہر مظلوم اور یہی سبب ہے کہ سپریم کورٹ سے مجھے 7 نوٹسز ہیں ایک چینل نے اسٹنگ کسی کا کیا نام میرا لیا 7 نوٹس مجھے اس پر سپریم کورٹ سے ہیں اور مظفر نگر کے مظلومین اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اگر وہاں چلا گیا ہوتا تو نہ جانے فاشسٹ طاقتیں کیا قہر ڈھا دیتی وہ میرے نہ جانے کو ہی اپنے لیے عافیت مانتے ہیں اور میں آپ کے مادھیم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تک بھی اور تمام ان لوگوں تک جو اس سوال کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہی ہماری بے گناہی کا ثبوت ہے کہ جب ہماری حکومت بنتی ہے اور ہم ان لوگوں کے لیے جو چناؤ میں جیت کے بعد ہاتھ کھول کر چلتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب ملائم سنگھ کی سرکار آ گئی اب کوئی ان کی شکل دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا اب تھانے میں رپٹ شکل لے کر لکھی یا نہیں لکھی جائے گی ریل اور بسوں میں چلنا انہیں خطرناک نہیں لگے گا اب انہیں بھی نوکریاں مل سکتی ہیں اور وہ بھی عزت اور سمان کی زندگی اب جیئیں گے یہ دراصل فاشسٹ طاقتوں کو برداشت نہیں ہوتا اور تب وہ فاشزم کا ننگا ناچ کرتے ہیں مظفر نگر میں جو کچھ ہوا یہ کھیتیار مزدور تھے یہ ان کے لیے جن کی بچیوں کی چوڑیاں سندور دہیز تلک یہ ان کی محنت اور خون پسینے سے بن کر آتا تھا جو ان کے جسموں پر مالش کرتے تھے کیا کر دیا اپنے ہی مزدوروں کو مار دیا انہی کے گھر جلا دیے انہی کی عصمتیں لوٹ لیں ہم بچا پائے ہم نے اس غلطی کو مانا ہے ہم نے اس غلطی کو مانا ہے صرف ہم نے نہیں ہمارے نیتا جی نے مانا ہے ملائم سنگھ یادو جی نے بھری سبھا میں کہا ہے کہ افسروں کے نکمے پن سے اور ان کی کمی سے یہ جو چند گھنٹے کا اور جتنے دن کا بھی ہوا یہ ان کے سبب ہوا ایسے میں نیتا جی اور نریندر مودی میں اسے مانا ہے گجرات لیکن مظفر نگر کے 5 گاؤں کی وجہ سے پورے ہندوستان کی اقلیت کو سزا نہیں دی جا سکتی مظفر نگر کے مظلومین یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ان کی ناراضگی کا سایہ پورے ہندوستان پر پڑا تو فاشسٹ طاقتیں حاوی آ جائیں گی اور ان کا جینا ناممکن ہو جائے گا خان صاحب ایک اور سوال لے لیتا ہوں میں میرا نام شیش نارائن سنگھ ہے اور دیش بندھو اخبار سے ہوں میرے ایک سوال میں 2 پارٹس ہیں ایک تو یہ کہ آپ ایک دیش کی بہت بڑی راجنیتک پارٹی کے مہا سچیو کو اپرادھی کہتے ہیں کیوں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک جماعت کے سارے نیتاؤں کو فاسسٹ کیوں کہتے ہیں اس کے پاس آپ کے پاس آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں کہ بس کہہ دیتے ہیں دیکھیے جب باپو کی ہتیا ہوئی تھی تب یہ بحث دیش میں چھڑی تھی اور ایک سماجک سنگھن جسے RSS کہتے ہیں وہ اس وقت کی گرہ منتری جی نے جنہیں آج کی بھارتی جنتا پارٹی اپنا آئیڈیل بتاتی ہے انہوں نے بین کیا تھا لیکن اسی سنگھن کو بحال تو کیا کانگریس نے
लेकिन बहाली का सबब नहीं बता सकी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की नीयत भी साफ नहीं थी, क्योंकि बंटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस पर कम नहीं थी। बापू की मंशा के खिलाफ बंटवारा हुआ था। मैंने अगर किसी को अपराधी कहा है तो मेरा कहना नहीं है, ज़बाने खल्क को नकाराए खुदा समझो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शहर का गुंडा हो तो सिटी मजिस्ट्रेट शहर बदर करता है, जिले का गुंडा हो तो जिला मजिस्ट्रेट जिला बदर करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिसे गुजरात में जाने पर पाबंदी लगाई हो, मैं भारत रत्न के लिए सिफारिश करूं? मैंने नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट साहब, एक सवाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था जिसका जवाब आपने नहीं दिया, ऐसे में नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव में क्या फर्क है? आप अभी थोड़ी देर पहले अफसरों को पर एक तरह से उनको दोष मढ़ रहे थे, तो एसआईटी में भी यही बात थी, तो सवाल यहां पर यह है कि ऐसे में नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव में क्या फर्क है, अगर मैं आप ही के लॉजिक को देखूं तो? अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जैसे ऐतिहासिक सभ्य व्यक्ति के उनसे भी ज्यादा कल्चर और सभ्य बेटे हैं, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े दार्शनिक हो रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आप दार्शनिक हो रहे हैं, होना चाहिए। मैं आप ही के लॉजिक का बात कर रहा हूं। हमें खूबियां बताना चाहिए ताकि समाज को आपके माध्यम से पता चले, और ये आपका भी उपकार होगा, ये आपका भी उपकार होगा कि आपकी वजह से देश ये जान पाएगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, जो गलती थी उसे मुख्यमंत्री जी ने भी माना, नेताजी ने माना, हमने माना, तो यानी कि मोदी और उनमें कोई फर्क नहीं, आप इस बात को मान रहे हैं? लेकिन 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 अखिलेश यादव स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगों के जिम्मेदार नहीं है, उन पर यह इल्जाम नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और हम बेगुनाहों के खून के समंदर में खड़े हुए नहीं। मगर बीजेपी पलट के कह सकती कि अदालत में यह चीज साबित नहीं हुई। कौन सी अदालत? स्पॉन्सर्ड अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो अदालत थी, जिसका फैसला आया अभी, जिसकी बात बीजेपी करती है, अभी तो ये तो साबित नहीं हुई। अभी तो ये अदालत का पहला कदम भी नहीं है। चलिए चलिए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, अभी तो मंजिल बहुत आगे है जी। आजम खान साहब, आपका जब से हम सब लोग पत्रकारिता कर रहे हैं लगभग, तब से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लगातार विवादों में रहे हैं, या तो आपके बोलने में कोई गड़बड़ है या सुनने वाले में कोई गड़बड़ है कि आपकी हर बात पे विवाद खड़ा हो जाता है। और विवाद खड़ा होने का मतलब ये हुआ, अभी मैं कहूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो चार नंबर की पार्टी थी बीजेपी, वो पहले नंबर पे आ गई है या पहले नंबर की लड़ाई में आ गई है कम से कम, और पश्चिम में तो जबरदस्त बंटवारा हो गया हिंदू मुसलमान का, और ये तीन चार बयानों से हुआ जिसमें एक आपका भी बयान है। तो आपको बयान देते हुए क्या ये लगता, ये आप जानबूझ के करते हैं या आदतन हो जाता है, या सच्चाई इतनी कड़वी है जो आप कहते हैं और बाकी सबके लिए वो एक विवाद का विषय बन जाता है? मैं अपने शहर में पिछले 40 बरस से बोल रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में भी इतने ही अरसे से बोल रहा हूं। आप मेरे सारे कैसेट्स उठाकर देख लें कि जब मैं बोलता हूं तो सुई फेंक दीजिए तो उसकी आवाज आती है। न मैं गलत बोलता हूं, न सुनने वाले गलत सुनते हैं, और यही वजह है कि मैं आठवीं बार एक ऐसे शहर से मुंतखब होता हूं जिसका इतिहास जुल्म से भरा हुआ है, नवाबों का शहर, अंग्रेजों का शहर, जहां बोलने की आजादी नहीं थी, जहां उन सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं थी जिस पर नवाब की सवारी चलती थी, जहां आठवें से ज्यादा कोई शिक्षा नहीं पा सकता था, कोई अपने घर खुशियों के शादियाने नहीं बजा सकता था, बेटी जवान होती थी तो मां बाप को उसकी जवानी के लुट जाने का खतरा होता था। और क्या हुआ है, वो किताबें लिखी गई हैं इतिहास की, क्या कुछ नहीं हुआ है। उसके बावजूद इस शहर में एक लोकल नेता होने के नाते लोग ऊब जाएंगे 40 बरस तक किसी को सुनते हुए, लेकिन आप अभी चलिए मेरे साथ, मैं बाजार में उतर जाऊंगा आपकी गाड़ी से, फिर देखिएगा आप लोग मुझे किस तरह सुनते हैं, लोग किस तरह मुझसे प्यार करते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि वो सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। आप मेरे साथ किसी हिंदू मोहल्ले में चलिए, किसी सिख इलाके में चलिए,
और फिर मेरी माएँ और बहनें और बेटियों का जो मेरे साथ रवैया है उसे देखिए और दिखाइए, ताकि पूरे हिंदुस्तान को ये सबक हासिल हो कि वो जिसका सिर्फ एक बैंक अकाउंट है और वो भी लखनऊ के विधानसभा के बैंक में, उसका दामन बिल्कुल बेदाग है और वो देशद्रोही नहीं है, वो गद्दार नहीं है, वो आईएसआई का एजेंट नहीं है, वो तुम्हारा ही अपना है और तुम उससे बहुत काम ले सकते हो। खान साहब, अगर एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में ऐसे मिल जाए किसी भी धर्म जाति के जो ये सबूत दे दें कि इंसाफ के कलम से कभी ना इंसाफी हुई है, तो मैं खुला ऐलान करता हूं कि मैं हमेशा के लिए सियासत की जिंदगी से हट जाऊं। खान साहब, अगला सवाल लेते हैं। आजम खान साहब, अभी जो हमारे सीनियर साथी ने आपसे सवाल किया, मैं उसी को एक शेर की शक्ल में करना चाहता हूं और थोड़ी सी तहरीफ से वो शेर पढ़ता हूं कि तुम आह भी करते हो तो हो जाते हो बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है आपकी जबान में, आपकी तकरीर में, आपकी तहरीर में? वजह बेरंगी गुलजार कहूं तो क्या हो, वजह बेरंगी गुलजार कहूं तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूं तो क्या हो। सिर्फ ये कहने पर कि मैं वफादार हूं, कौन कितना गुनहगार है ये तो पूरा देश जानता है। और मैं ये भी अर्ज कर दूं आपसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी या फासिस्ट ताकतें ये समझती हैं कि सच सामने आने से उनकी ताकत बढ़ गई है तो ये भी देश का दुर्भाग्य होगा। खासा और इस गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी न रहे। अभी जो कल चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट ढूंढने के लिए कौन जीता, मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा। खान साहब, इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं, मैं हां या ना में एक जवाब जानना चाहूंगा, क्या आप कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग समझते हैं या नहीं? यह सवाल हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का अपमान है। नहीं, मैं मुसलमान के जरिए नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, मैं आप ही के एक बयान को पेश कर रहा हूं। मुसलमान भी हूं। नहीं नहीं, सुनिए, मेरा बयान और इस सवाल के पीछे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का अपमान हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, यकीनन हुआ है। आपका बयान है, मैं आपको सुनाता हूं। इस सवाल ने हमारा दिल दुखाया है। बिल्कुल और नहीं, सिर्फ सर, हमारा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर हिंदुस्तानियों का दिल मैं दुखाया का बयान आपको ये सवाल हमसे ही क्यों पूछा गया? नहीं नहीं, ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछा गया? देखिए बाप, आप इमोशनल हो रहे हैं। मेरा सवाल सुनिए, आपने कहा कश्मीर पर जो आपने बयान दिया था गुलाम नबी आजाद के संदर्भ में, कि आपने कहा था कि भारत नहीं वो कश्मीर के हैं, वो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है या नहीं उस पर भी विवाद है। अब ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट का नैरेटिव नहीं है और ये भी आपका बयान है। और कम से कम ये मत कहिएगा सर कि यहां पर भी मेरे पूरे बयान को नहीं सुनाया गया। मेरे नौजवान दोस्त, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आपसे और जब खूबसूरत बनाया है तो यकीनन आप खूबसूरत भी हो। मेरी ये दुआ है आपके लिए, इस मुकदमे में जो ये लिखा गया है, मैं फिर कहूंगा कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बचा कर रखिए, इस मुकदमे में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही मेरे खिलाफ कायम हुआ और तभी फाइनल रिपोर्ट लग गई थी, क्योंकि ये गलत छापा गया था। और हम मुसलमानों की तरफ से आप कोई या मेरी तरफ से कोई एक सानेहा ऐसा बता दीजिए जब कश्मीर के सिलसिले में कोई हिमायती बयान, न सिर्फ ये कि मैं बल्कि किसी हिंदुस्तानी मुसलमान ने यह दिया हो कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये बयान मैंने खुद देखा है और कार्यक्रम के बाद आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा YouTube पे, ऐसा नहीं है। नहीं दिखा पाए। बहरहाल इस कार्यक्रम के सिलसिले नहीं को दिखा पाएंगे, मैं दिखा दूंगा। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हम अपने अगले सवाल का। जिन साहब ने ये शरारत की थी, बदनसीबी है कि काफिला अपनों से डूबा है और सफीना वही डूबा है जिस कश्ती में छेद हुआ है। मीर जाफर और मीर सादिक भी हमी से हुए थे, इसलिए टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी और वो शेर शेर न रहा था। चलिए अगला सवाल। मुझे ये बात कुछ नामुनासिब सी लगी तो उसे मैंने लिख दिया कि अगर
मेरी सलाहियत नहीं है तो दूसरी जगह भी नहीं है। पिछले साल सितंबर में बीजेपी ने यूपी में 84 कोसी परिक्रमा का आह्वान किया था। माना जा रहा था कि इस परिक्रमा को अखिलेश सरकार की हरी झंडी है, लेकिन ऐन मौके पर आजम की नाराजगी के बाद अखिलेश सरकार बैकफुट पर दिखी। परिक्रमा पर रोक लगाने का फरमान आया तो विश्व हिंदू परिषद के नेता भी कहने से नहीं चुके कि यूपी को अखिलेश नहीं आजम चला रहे हैं। हम तो मिल करके आए आपसे, सौहार्दपूर्ण वातावरण मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छा, आपको उनकी बातों का भरोसा करना है। पिछले साल आधा दर्जन ऐसे मौके आए जब लखनऊ में होने के बावजूद आजम कैबिनेट मीटिंग से नदारद रहे। कोई नाराजगी नहीं है, आपस में जब हम काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए राय मशवरा भी देते हैं। एज वेरी सीनियर मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन चीजों की तरफ इंगित करूं जो चीजें सरकार में अगर कहीं कंफ्यूजन की हो तो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नाराजगी बड़ी नहीं है। अखबार तो बढ़ चढ़ के लिखता है, वरना न्यूज कैसे बनी। अखिलेश और आजम के बीच दीवारें खिंचती देख मुलायम सिंह को दखल देना पड़ा। लेकिन आप अच्छी तरह सुन लीजिए, आजम साहब मुलायम सिंह से कभी भी नाराज नहीं हो सकते। देश की जनता को बताएं। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम घोषणा पत्र में यूपी के सीएम अखिलेश यादव आए, आजम खान को लेकर सवाल होना ही था। लोग कहते हैं कि साइकिल तो ठीक है लेकिन चलाने वाले 3.5 लोग हैं। 5.5 आप खुद ही बता रहे, तो इसका इसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे। ये स्वाभाविक है, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो सीनियर लीडरशिप है और नेताजी के साथ उन्होंने बहुत वर्षों काम किया है। तो अच्छी राय है, जो सुझाव आते हैं उनको मैं मानता हूँ, जो अच्छे सुझाव वो मानता हूँ, लेकिन फैसला आखिरकार मुख्यमंत्री का ही होता है। दिल का दर्द समझिए आजम खान साहब, 5.5 मुख्यमंत्री, इन हालात में अखिलेश जी को काम करना पड़ता है। चलिए सवाल लेते हैं। इसका जवाब तो ले लीजिए। चलिए बोलिए। इसका जवाब ले लीजिए, बुरा नहीं माने आप। नेताजी से, अखिलेश जी से हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारी वजारत और हमारे पद से बहुत ऊंचे हैं। नेताजी ने जो उपकार किया है हमारे साथ और हम कमजोरों के साथ, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर और एक यूनिवर्सिटी का संस्थापक और चांसलर होने का पद मेरी नज़र में हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी बड़ा है। आज भी हिंदुस्तान में किसी छात्र से अगर ये पूछें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे तो बताएंगे मदन मोहन मालवीय साहब थे। अगर कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूछें तो बताएंगे सर सैयद अहमद खां थे। अगर मेरे मरने के बाद मेरी आने वाली नस्लें मेरा नाम याद रखें तो मैं समझता हूँ ये मेरी वजारत से बड़ा लकब होगा। और जहां तक 5.5 वजीरों का सवाल है, मुख्यमंत्रियों का, तो दरअसल ये हमसे हमदर्दी नहीं है और न ही ये हमारा वकार बढ़ाना है कि हम 5.5 मुख्यमंत्री हैं, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले वो दिल वो दिमाग जिन्हें इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि आजम खां का इतना सम्मान उस परिवार में क्यों है, उस सरकार में क्यों है, इसे कैसे निकलवाएं, इसे कैसे बाहर का रास्ता दिखवाएं, ये दरअसल उसकी कोशिश है जो पूरे 2 साल हो गए आपको करते हुए। क्या पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं आजम खान साहब? आप लोग पार्टी के अंदर ऐसे लोग? ये सवाल तो आपने किया है, मेरी पार्टी ने थोड़ा ही किया है। नहीं, बात तो आप 2 साल से इस कोशिश में लगे हैं कि इस कमजोर को कैसे बाहर का रास्ता। हम बिल्कुल नहीं चाहते सर, आप नहीं रहेंगे तो राजनीति में वो मजा कहां रहेगा। तो ये सवाल तो आपने किया है जी, ये सवाल मेरी पार्टी में या किसी राजनीतिक दल में नहीं किया गया, किसी राजनीतिक दल में नहीं किया गया। ये सवाल तो मीडिया ने किया, आपकी सजाई हुई महफिल में किया गया। तो हम जब भी आप हुक्म कर देंगे हम तो खुद ही चले जाएंगे। वाह, चलिए एक सवाल और लेते हैं खान साहब इसे। लेकिन ये हुआ है कि 5.5 मुख्यमंत्री के कारण अखिलेश जी जब आए थे तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, और वो उम्मीदें 6 महीने भी नहीं टिक पाई। और आपकी तमाम तरह की उपलब्धियां जो भी आप गिना सकते हैं गिनाएं, लेकिन आपकी छवि बहुत खराब हो गई है। और उसका फल ये हुआ कि आप लोगों को ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मैं क्योंकि कमज़ोर आदमी हूँ इसलिए मेरी आवाज़ भी कमज़ोर है, बात भी कमज़ोर है, जहाँ तक पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन सच यही है कि जब जब हमारी सरकारें आई हैं फाशिस्ट ताकतों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की है। ये बिल्कुल सही है कि सरकार बनने के बाद मुजफ्फरनगर का अफसोसनाक सानहा हुआ,
इंतहाई दर्दनाक और दिल दहला देने वाला सानहा हुआ और उससे हमारी पार्टी को बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन इतने ज़्यादा विकास के काम हुए, अब मैं अगर गिनती करूंगा तो आपके सारा कार्यक्रम का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि आप फिर लैपटॉप पर एतराज़ करेंगे, फिर आप एतराज़ करेंगे पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां क्यों, फिर आप एतराज़ करेंगे कि बेरोज़गारी भत्ता क्यों, फिर आप एतराज़ करेंगे कि हमारी बेटी उसका कल क्यों, फिर आप एतराज़ करेंगे किसानों को पानी मुफ्त क्यों, फिर आप एतराज़ करेंगे किसानों का कर्जा माफ़ क्यों, फिर आप एतराज़ करेंगे कि शिक्षा मित्रों को नौकरी क्यों। तो इतनी लंबी लाइन है कि हम आपके एतराज़ात का जवाब दे नहीं पाएंगे, बहुत कुछ हुआ है। और हाँ साहब, वक्त खत्म हो रहा है, मैं कुछ और सवाल ले लेता हूं अगर आप इजाजत दें। हाजिर, मैं गिरिजा शंकर हूं। आज मोदी जी का एक बयान पढ़ने को मिला कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करूंगा भले ही चुनाव हार जाऊं, ये मोदी जी कह रहे हैं, आप किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, जहां तक कुत्ते के बच्चों का सवाल है, हम कुत्ते के बच्चे, वी द पपीज, और जब हमारी दस्तार फेंकी गई थी, जब टोपी पर हाथ मारा था तो दस्तार थी हमारी, वो दस्तार थी सिखों की, वो दस्तार थी साधुओं की, वो दस्तार जब फासिस्टों के पैरों में जाकर गिरी थी, मुल्क ने उसी वक्त समझ लिया था कि नरेंद्र मोदी जी का असल चेहरा क्या है। क्योंकि मोदी जी को ये एहसास हो गया कि फासिज्म का कार्ड नहीं चल सका, वो इस देश के अकेले नरेंद्र मोदी हिंदू नेता नहीं है जी, और भी बहुत से हैं जो सेकुलर भी हैं जी। लिहाजा जब उन्हें एहसास हो गया कि ये कार्ड नहीं चल पा रहा है, और खुद उनकी पार्टी के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि टिकट गलत बटे, मुरली मनोहर जोशी जी की मुरली बनारस में रह गई, जोशी जी कानपुर चले गए जी, फॉरेन मिनिस्टर एक्स फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी का क्या हश्र हुआ, लालजी टंडन साहब का क्या हश्र हुआ, उमा भारती जी के क्या बयानात आ रहे हैं। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ड खेला था भाई से भाई को जुदा करने का, मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा करने का जो इंतहाई अफसोसनाक हो, और मुल्क को एक और सवाल गलत रास्ते पर ले जाने का, एक और सवाल ले देश ने उसे पहचान लिया। वक्त खत्म हो रहा है, एक और सवाल जी। खान साहब, मैं अनिल आनंद हूँ, सहाफी हूँ, दिल्ली से आया हूँ आपसे रूबरू होने। मेरा सवाल मैं फिर आपको, आपकी आपने शुरू में बड़ा लंबा स्टेटमेंट एक दिया, आपकी कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म, मेरा ये कहना है कि अगर कोई क्राइम करता है तो एक सिस्टम उसके खिलाफ लड़ता है, वो सिस्टम उसी लहजे में उसी जुबान में नहीं लड़ता, एक अलग तरीके से लड़ता है। मुझे ये लग रहा है कि आप भी उसी लैंग्वेज का, उसी शैली का इस्तेमाल करते हैं कम्युनलिज्म की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं शाह साहब का नाम नहीं लूंगा, आपने कहा वो क्रिमिनल है, नरेंद्र मोदी का आप ले लीजिए जिक्र, तो आपको नहीं लगता है कि जो वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं जिस लैंग्वेज को यूज करके, उसी लाइन पे आप भी चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं नाम लेंगे आप उनका, जिनका नाम आपने लेने के बाद कहा नहीं लूंगा, ले तो लिया आपने नाम। वो राष्ट्रीय महासचिव हैं अपनी पार्टी के, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं अपनी पार्टी का और फाउंडर हूं, उसी दिन से राष्ट्रीय महासचिव हूं। वो इतने बड़े गुनाह के बावजूद आजाद कर दिए गए, मेरे पूरे जीवन में कोई गुनाह नहीं, पूरी पाक जिंदगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा काम कर रहा हूं, मेरा जबीहा हो गया, ठीक हुआ। चलिए, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है जी, अकेले मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका जैसे मुल्क ने आने से रोक दिया, जिसने सुनकर नहीं दी सद्दाम हुसैन की कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है जी। खान साहब, चलिए खान साहब, तो बात तो वही कही जाएगी जो सच होगी। नहीं, वक्त इतना ही है मेरे पास, मगर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप रूबरू हुए, एबीपी न्यूज पर आए, आपने अपनी बात बेबाकी से रखी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो गलत फहमियां होंगी आप में और आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में, वो कुछ दूर होंगी, और बहुत उम्दा तरीके से अपनी बात रखी। मैं आपका शुक्रिया इस शेर के साथ अदा कर दूं, और ये वाकई हमें एहसानमंद होना चाहिए, मुझ जैसे उन तमाम कमजोर लोगों का आपका शुक्रगुजार होना चाहिए जो बहुत बुरी बातों से नवाजे जाते हैं, आज उनके एक अदना से खादिम की बात आपने मुल्क तक पहुंचाई है। चलिए, बहुत बहुत एक शेर सुन लीजिए, एक शेर सुन लीजिए, न मेरा है, ये हमारे गुरु का शेर है, नेताजी के गुरु जी का शेर जी, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है,
और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आजम खान साहब। तो घोषणा पत्र में आज इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे घोषणा पत्र में एक नए मेहमान और एक नए विचार के साथ। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।